वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 डिविजिबिलिटी। तो देखिए डिविजिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है कि 2 की डिविजिबिलिटी देखी है, उसके बाद 5 की और 10 की डिविजिबिलिटी आपने देखी है, तो उसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि क्या होती है उनकी डिविजिबिलिटी। और उसके बाद इस स्टैंडर्ड में जो आपको दी है, जैसे कि 4 की है, 9 की है, 3 की डिविजिबिलिटी, उनको हम बाद में देखेंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 कि 2 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी आपको नंबर दिया है, चाहे वो 2 3 4 डिजिट नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आता है तो उस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 224 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, आप 2 से यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है 550 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो इस नंबर को भी आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल और लेंगे 414 है या फिर 336 है, तो यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, तो 4 0 है, 4 है, 6 है और 8, इस तरीके के नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आते हैं तो उन नंबर को, उस पूरे नंबर को आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसा आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देखा है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है टेस्ट फॉर 5, मींस 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो जो भी आपको नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 एंड 5, अगर 0 है या फिर 5 है, तो उस नंबर को आप क्या कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या है, 505, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। 315 है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। उसके बाद अगर आप 100 लेते हो तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो इसको भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे 330, तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। मींस ऐसे नंबर अगर 4 डिजिट का भी आप लेते हो, 4510 है, तो यहाँ पर क्या है, 0। मींस जितने भी डिजिट का नंबर है उसका यूनिट प्लेस आपको देखना है कि वहां पे अगर 5 है या फिर 0 है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। ये होती है 5 की डिविजिबिलिटी या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, तो 10 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो उस नंबर को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। फिर फॉर एग्जांपल क्या आएगा, 100 आएगा, 500 आएगा, उसके बाद 110 है, तो ये जो नंबर है इनके यूनिट प्लेस पे क्या है, तो 0 दिया है, मींस इसको आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन देखिए कोई ऐसा नंबर एक हो सकता है कि जिनको कॉमनली भी आप क्या कर सकते हो कि वो 2 की डिविजिबिलिटी हो सकती है, वो 5 की भी हो सकती है या फिर 10 की भी हो सकती है। जैसे कि आप अगर हम देखेंगे कि 100 है, 100 यूनिट प्लेस पे 0 है, तो वो 2 की भी डिविजिबिलिटी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है और 10 की भी हो सकती है। तो ऐसे नंबर आते हैं कॉमन नंबर की जहाँ पे तीनों की डिविजिबिलिटी हो सकती है। अभी इस स्टैंडर्ड में हमें कौन सी डिविजिबिलिटी देखनी है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3, उसके बाद 4 एंड 9 इनके लिए देखनी है। तो 3 के लिए अगर डिविजिबिलिटी हमें देखनी है तो उसका रूल क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया है उनके जो डिजिट है उनकी एडिशन जो आएगी उसे हम 3 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उस पूरे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 33 दिया है तो उसके एडिशन क्या आएगी, तो 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा, तो 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 33, इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 63 अगर दिया तो 6 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पे करके देखते, देखिए 6 प्लस 3 क्या होगा, 9, तो 9 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम 563, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 क्या होगा, 14, तो इस नंबर को कर सकते हैं कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमने 4 लिया तो इसकी एडिशन क्या हो जाएगी, 15, मींस इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या करना होगा कि जो भी नंबर आपको दिए है उन सारे नंबर को क्या करना है, सारे डिजिट के जो नंबर है उनका एडिशन, मींस 5 प्लस 6 है, प्लस 4 है, तो इसकी जो भी एडिशन आती है उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मींस इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होती है डिविजिबिलिटी, इसकी 3 की होती है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसके लिए क्या रूल है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया है तो उसका यूनिट एंड 10 प्लस का जो नंबर होता है उसे अगर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 264 है तो इसमें 64 जो है इसको, मींस यूनिट प्लेस का नंबर और 10 प्लेस का नंबर, इसको ही आपको देखना है कि 64 नंबर है इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, मींस इस पूरे नंबर को आप
क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर 2528 है, तो अगर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का नंबर है 28 है, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। मींस इस पूरे नंबर को आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही नंबर आपको लेने हैं कि जिसके यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का मिलके जो नंबर बनता है। मींस यहां पे 28 बना, तो 28 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लेते हो 256 से, तो यहाँ पे 56 जो नंबर है, तो इसे आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसके कारण क्या कर सकते हैं हम कि 256 को भी 4 के डिविजिबिलिटी में ले सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर होते हैं जहाँ पे आप यूनिट और 10 प्लेस के नंबर दोनों भी मिलके जो नंबर बनेगा उसको आपको क्या करना होगा, डिवाइड करके देखना है किससे, 4 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 216 है, फिर 16 नंबर है, 16 को भी आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, क्योंकि 4 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए ये जो 216 नंबर है, इस पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी कैसी है, सेम जैसे 3 की है कि डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करो, उस एडिशन को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। तो सेम रूल यहाँ पर भी है 9 के लिए। अगर 333 ये नंबर है, इसको अगर आप ऐड करोगे 3 + 3 + 3 क्या हो जाएगा, ये 9। मींस इस 9 को आप डिवाइड कर सकते हो 9 से। मींस इस पूरे नंबर को आप क्या कर सकते हो, 9 से डिवाइड कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, देखिए 5 + 1 क्या होगा, 6 + 3। मींस इस पूरे नंबर को 513 नंबर है, इसको ऐड करेंगे 5 + 1 + 3, तो क्या होगा, ये भी 9 आता है। तो इसी तरीके से ऐसे नंबर आपको लेने हैं जिनके एडिशन पूरे जो नंबर से उनके डिजिट को अगर आप ऐड करते हो, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, तो इस पूरे नंबर को आप क्या कर सकते हो, 9 से डिवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे 999 है, तो 9 + 9 + 9 तो ये क्या है, 27 है। तो 27 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 × 27 होता है, तो 27 को अगर आप डिवाइड कर सकते हो, तो जो 999 नंबर है, इस पूरे नंबर को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये सारी क्या हमने देखी डिविजिबिलिटी, जैसे कि पहले 2, 5, 10 की देखी, उसके बाद हमने देखी है 3, 4, 9। तो ये डिविजिबिलिटी जो टेस्ट हमें दिए, इनको देखना क्यों है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया है जहाँ पे आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, तो उस टाइम ये डिविजिबिलिटी आपको काम आएगी कि दो नंबर से तो उनको आपको कॉमनली ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उस टाइम आपको ये डिविजिबिलिटी काम आएगी। इसके लिए आपको सारे जो डिविजिबिलिटी के लिए रूल्स है या फिर जो टेस्ट यहाँ पे दिए है उनको अच्छे से याद करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिविजिबिलिटी जो है सब देख लिया है कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम डिविजिबिलिटी को पहचान सकते हैं, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 22। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 22 में आपको क्वेश्चन दिया है, देर आर सम फ्लावरिंग ट्रीज इन अ गार्डन, ईच ट्री बियर्स मेनी फ्लावर्स विद द सेम नंबर प्रिंटेड ऑन इट। तो आपका जो बुक है वहां पे आपको क्वेश्चन दिया है और कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स है और उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं। 3 children took a basket each to pick flowers, कि 3 बच्चे होंगे जो कि वहां से फ्लावर्स को पिक करेंगे, मींस क्या वो नंबर को क्या करेंगे, पर्टिकुलर नंबर को पिक करेंगे। Each basket has one of the numbers 3, 4 or 9 on it, तो उनके पास जो 3 baskets होंगे उनके ऊपर नंबर दिए आपको 3, 4 or 9। Each child picks those flowers which have numbers divisible by the number on his और हर बास्केट, कि वो बच्चे कौन से फ्लावर्स को पिक करेंगे जो कि उनके बास्केट के ऊपर नंबर होंगे, उन नंबर से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को ही वो क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई गर्ल है, उसके पास अगर 3 नंबर की बास्केट है, तो 3 से डिविजिबल होने वाले फ्लावर्स मीन्स नंबर जो होंगे वो नंबर जिस फ्लावर पे उसी को वो क्या करेंगे, पिक करेंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप वो क्या करेंगे, सिर्फ उस नंबर के डिविजिबल होने वाले नंबर्स को ही चूज कर सकते हैं। ही और शी टेक्स ओनली 1 फ्लावर फ्रॉम ईच ट्री, कैन यू टेल विच नंबर्स द फ्लावर्स इन ईच बास्केट विल हैव। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस नंबर्स को क्या करना है, उस बास्केट में वो बच्चे क्या करेंगे, अपने बास्केट में डालेंगे। मीन्स यहाँ पे हम समझेंगे कैसे है कि ये जो सारे नंबर्स आपको दिए हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में फ्लावर्स के अंदर क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उस सारे नंबर्स को क्या किया है, पहले लिखा है, बाद में आपको क्या करना है, गर्ल विथ बास्केट नंबर 3 की वहां पे 3 बच्चे हमें दिए हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट गर्ल है उसका बास्केट नंबर क्या है, 3 है। मींस 3 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर्स होंगे उनको आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड जो है गर्ल विथ बास्केट नंबर 9,
जिस लड़की के पास 9 नंबर का बास्केट है तो वो क्या करेंगे, ऐसे नंबर को, ऐसे फ्लावर्स को पिक करेंगे कि जिसकी डिविजिबिलिटी क्या है, 9 है, या फिर 9 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे नंबर को। और थर्ड वन है बॉय विद बास्केट नंबर 4, कि ऐसे नंबर यहाँ पे पिक करने हैं हमें, या फिर फ्लावर्स को पिक करना है जो कि 4 के डिविजिबल होते हैं, या फिर 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 111। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि जो सारे डिजिट है इनका हम एडिशन करेंगे, मींस 1 + 1 = 2, 2 + 1 क्या होगा 3, मींस ये कौन सी डिविजिबिलिटी आएगी, 3 की डिविजिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे नंबर 111 कि ये जो गर्ल है उसने इस नंबर को पिक किया, क्योंकि ये क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी है। नेक्स्ट है 369। तो पहले हम 3 की चेक करेंगे, 3 + 6 क्या होगा 9, 9 + 9 क्या होगा 18 होगा। तो 18 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मींस ये यहाँ पे आएगा 369। और 18 नंबर को हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो ये 9 की भी डिविजिबिलिटी आएगी। तो ये आएगा नंबर यहाँ पे 369। अभी देखेंगे कि 4 की डिविजिबिलिटी है क्या, 69 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, मींस ये 4 की डिविजिबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है 435। तो 4 + 3 = 7, 7 + 5 क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 को हम डिवाइड सिर्फ 3 से कर सकते हैं, तो 435 ये डिविजिबिलिटी आएगी 3 की। 9 क्या आएगी क्या, तो 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 12 को, नहीं कर सकते तो नहीं आएगा। 4 से कर सकते हैं क्या 35 को, 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी, यूनिट एंड टेन प्लेस से जो नंबर बनेगा उससे अगर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 35 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या 4 से, नहीं, तो ये नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 356। तो 3 + 5 क्या आएगा 8, 8 + 6 होगा 14। तो 14 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, 9 से कर सकते हो क्या, नहीं, लेकिन 56 जो नंबर है कि 5 एंड 6 यूनिट और 10 प्लेस का नंबर है, अब मिला के कौन सा नंबर बनता है 56। तो 56 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो तो ये डिविजिबिलिटी किसकी आएगी, 4 की, मींस नंबर यहाँ पे आएगा 356। नेक्स्ट है 220 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20 नंबर है, इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आएगा 220। फिर ये 3 या फिर 9 की डिविजिबिलिटी होगी क्या, 2 + 2 = 4, 4 + 0 = 4, 4 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये नंबर नहीं आएगा। 249 है, 2 + 4 क्या होगा 6, 6 + 9 क्या होगा 15, तो 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये नंबर आएगा 249 में। 9 से 15 को नहीं कर पाएंगे और 49 को भी हम 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है 666, तो ये क्या बनेगा 18, तो 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद 9 से भी कर सकते हैं तो 666 9 में भी आएगा। और 66 अगर नंबर है तो उसको हम 4 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं डिवाइड, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है 450 है, तो 4 + 5 9 होगा, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, यहाँ पे नंबर लिखते हैं 450 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 9 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 9 एडिशन आ रहा है, और 50 को 4 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है हमें, 960 है। तो 969 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये नंबर आएगा यहाँ पे, 9 से नहीं होगा। 4 से अगर हम 60 को करेंगे तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 960 4 के नंबर में भी, मीन्स जो 4 का बास्केट है वहां पर भी आएगा। नेक्स्ट है 432। यहाँ पे 4 + 3 क्या होगा 7, 7 + 2 आएगा 9, मीन्स 3 से डिवाइड होगा और 9 से भी होगा, क्या है नंबर 432 है, 432 है। 32 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से तो यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी आएगा 432। तो देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे नंबर आएंगे कि जो हर एक डिविजिबिलिटी में बैठता है नंबर, मीन्स वो 3, 9, 4 तीनों की भी डिविजिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट है 999, 9 + 9 18, 18 + 9 होगा 27, तो ये 3 की भी डिविजिबिलिटी होगी और 9 की भी होगी, 999। नेक्स्ट है 123, 1 + 2 = 3, 3 + 3 क्या होगा 6, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी आएगी 123। 23 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है 72, 7 + 2 9 होगा, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी आएगी, उसके बाद 9 की भी आएगी, और 4 की 72 नंबर दिया है तो 4 की डिविजिबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 72। देखिए ऐसे कॉमन नंबर आ रहे हैं कुछ, तीनों में भी बैठ रहे हैं। 336 है, तो 3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12, तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे नंबर आएगा
336। उसके बाद 9 से कर सकते हैं क्या? 9 क्योंकि 9 1 9 9 2 18 ज्यादा हो जाएगा तो 9 से नहीं आएगा। 36 से 36 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये यहाँ पे आएगा 336। नेक्स्ट है 90, 9 प्लस 0 9 होगा, 3 से भी जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं जगह नहीं वहां पे 90। नेक्स्ट है 9 से भी जाएगा तो यहाँ पे होगा 90 और 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा तो उसके लिए 90 नहीं आएगा। नेक्स्ट है 108 है तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 8 क्या आएगा 9, मीन्स 3 से भी होगा 108। उसके बाद 9 से भी होगा 108 और 4 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 8 है, मीन्स 8 प्लस 0 क्या 8 ही है, मीन्स 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 की डिविजिबिलिटी आएगी 108। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना होगा कि जो भी नंबर आपको दिए हैं चाहे वो 2 यूनिट्स का हो, 3 यूनिट्स का हो, इसी डिजिट का हो, तो आपको करना क्या है 3 के लिए सिंपली आपको क्या करना है एडिशन करनी है। जो जितने भी डिजिट दिए हैं एडिशन को अगर आप 3 से डिवाइड कर पाते हो तो उस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हो। और सेम 9 का भी है कि एडिशन करना है सारे डिजिट का, जो भी आंसर आता है उसको आप डिवाइड करके देखिए 9 से, अगर उसको डिवाइड कर पाते हो तो उस पूरे नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट 4 की हमने क्या देखी कि जो यूनिट प्लेस और टेन प्लेस के नंबर है इनको साथ में जो भी नंबर बनेगा उसे अगर 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस पूरे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल होने वाली है आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितने भी यहाँ पे मीन्स प्रैक्टिस सेट में तो एक ही एग्जांपल दिया है लेकिन जो भी डिविजिबिलिटी यहाँ पे हमने सीखी है वो अगर अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।